आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए धनबाद विधानसभा क्षेत्र में छोटे और बड़े वाहनों की जरूरत को पूरा करने को लेकर के और मतदान प्रक्रिया संपन्न करने के लिए गाड़ियों का धरपकड़ जारी है। इस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धनबाद बस स्टैंड में भी यात्री परेशान है, जिसका जायजा लिया संवाददाता अंबर ने। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंबर, आप देख रहे TV45। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, अभी हम मौजूद है धनबाद के बस स्टैंड में। दरअसल आप देख रहे होंगे त्यौहार का महीना है, छठ महापर्व का जो है आगाज हो चुका है, और ऐसे में जो यहाँ की तस्वीर आप देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको जो भी यात्री है वह नजर आ रहे होंगे, और साथ ही साथ जो बस कर्मी है और साथ ही जो बस संचालक है वो भी आपको यहाँ पे मौजूद दिख रहे होंगे। दरअसल आज यहाँ पे आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह रहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन और साथ ही जो भी ऊंचरी आदेश आया है उसमें चुनाव के मद्देनजर कुल 250 छोटे और बड़े वाहनों की आवश्यकता जो है मतदान को लेकर जो है बताया जा रहा है, जिसमें गाड़ियों की जो धर पकड़ जो है वह लगातार जारी है। सवारी को प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग भी कमाने खाने वाले हैं, हम लोग भी प्रॉब्लम है, बाल बुतरु पालना है, इससे गाड़ी पकड़ा जाएगी तो हम लोग बाल बुतरु की कहाँ से मेंटेनेंस कर पाएंगे, बच्चे लोग को शिक्षा दीक्षा देना है, इसी पर आश्रित हैं, रांची में रहते हैं तो प्रॉब्लम तो है ही। अभी तो बहुत समस्या है कि लोग आ रहा है कि भाई गाड़ी यहाँ पर मिलेगा, और गाड़ी यहाँ स्टैंड में आके पकड़ ले रहे हैं, तो स्टैंड में पकड़ने के बाद तो परेशानी तो सबको हो रहा है, रोड में पकड़ने के बाद तो अलावा था, लेकिन यहाँ पकड़ लेने के बाद सब पैसेंजर लोग इधर से उधर छिधर बिधर हो जाता है, परेशानी तो बहुत है। गिरिडीह और हजारीबाग रूट जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, ये सब परेशानी है, बोकारो सब परेशानी है। देखिए पड़ा हुआ है लोग पसीना, गाड़ी नहीं है कि हम लोग भेज पाएंगे, परेशानी आ रहा है कि घर से निकल रहे हैं कि दो पैसा लेकर जाएंगे, बाल बच्चा के स्लेट पेंशन खरीदेंगे, तो सब तो यहाँ पुलिस जी लोग है, DTO साहब कहियो दे रहे हैं 17 तारीख का नोटिस जमा करने के लिए, तो सर्जेंट साहब आ जा रहे हैं कि नहीं नहीं चलेगा, हमको अभी गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं देगा बरियारी रोड पर खाले करवा देंगे, ले जाएंगे, उसके असर से भी पैसेंजर कुछ भड़क गया, आना जाना जो आ रहा है बेचारा अथी कर रहा है, तो गाड़ी नहीं जाएगा तो हम लोग स्लिट पेंशन बल बचा कहाँ से ले जाएंगे। देखिए पर्व का टाइम है और यहीं का तहीं गाड़ी पकड़ के खाली करवा देता है, पैसेंजर को वो दिक्कत है कि कहना नहीं है, तब DTO साहब सबको देख के चल गया कि 17 तारीख को गाड़ी दीजिए, सर्जेंट साहब आता है गाड़ी खाली करवा के लेके चल जाता है, यहाँ पैसेंजर को बहुत कष्ट है, जो अथी है इलेक्शन पब्लिकेन का वोट देगा, पब्लिक को इतना कष्ट देगा के वोट देगा। तो जैसा कि आपने सुना, देखिए सभी लोग को जो लोगों ने अपने बातों को रखा, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो यह पूरा निर्णय रहा, इसमें धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में खासा इसका असर देखने को मिल रहा है, और धनबाद में बड़ी संख्या में वाहनों की जो धर पकड़ है उसके कारण यहाँ मौजूद जो यात्री हैं और जो लोग हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यह जो पूरा मामला है या जो विषय पूरा विषय है, इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो भी संचालक है उनका कहना है कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता थी, जिसके कारण जो भी लोग हैं और जिस तरह की परेशानियों का सामना आमजनों को करना पड़ रहा है, यात्रियों को करना पड़ रहा है, और साथ ही जो संचालक है उन्हें करना पड़ रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत थी। हालांकि अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए, तो इसको लेकर आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और इसमें क्या कुछ संशोधन देखने को मिलता है, या फिर जिला प्रशासन इस पर डटी रहती है, अडिक रहती है, और ऐसे ही आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। सही विरागे के साथ मेंबर क्लस TV45 धनबाद।